हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उदाहरण संख्या 7.5। चित्र में प्रदर्शित तार में प्रवाहित धारा आई के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो ये इस प्रकार से एक चित्र दे रखा है आपके पास। ये चित्र है पी क्यू एम आर एस। ध्यान देना बेटा, यहां इसमें ये धारा बह रही है आई, इस प्रकार से आई धारा और ये भी आई धारा। ये केंद्र है इसका बिंदु ओ, जो इन तीनों तार से कितनी दूरी पर है बेटा, आर दूरी पर है। अब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट याद होना चाहिए। पुराना हम डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था, ध्यान देना, कि यदि ये अर्ध अनंत लंबाई का तार है। कैसा तार है बेटा, आधा अनंत है, मतलब यहां पे खत्म हो गया, नीचे कहां जा रहा है, अनंत है। अगर पूरा अनंत होता तो कैसे दर्शाते हैं लोग इसको, ऐसे डेड डेड डैश, ऊपर भी डैश डैश डैश, ठीक। ये अर्ध अनंत लंबाई का तार है, आधे अनंत लंबाई का तार है। तो इस अर्ध अनंत लंबाई के तार से अगर आर दूरी पे बिंदु पी हो, कितना हो पी, और इसमें धारा कितनी बहती हो आई, तो यहां का चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात कर चुके हैं। कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr, ठीक है। तो देखो इस फिगर में दो अर्ध अनंत लंबाई के तार हैं, एक तो है पी क्यू ये रहा और दूसरा है आर एस आपके पास। तो एक फॉर्मूला दिए काम में आएगा। फिर ये चित्र किससे मिलकर बना है, एक इसमें सर अर्धवर्त भी है, और अर्धवर्त से अगर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो अर्धवर्त के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने ज्ञात किया है बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 4r आपके पास होता है। तो ये कुल हमें पता है दो कंसेप्ट। तो हम क्या करेंगे बेटा, आपके पास तार पी क्यू के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तार पी क्यू धारा कितनी बह रही है I, और कितनी दूरी पे पूछ रहा है बेटा R, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा पी क्यू बराबर आपके पास म्यू नॉट I बट्टे में 4πr। साथ ही दिशा भी बता दो कि दिशा किधर होगी आपके पास। तो सीधा तार है, सीधे तार पर दिशा ज्ञात करने के लिए हम सीधे आपके अंगूठे का नियम काम में लेंगे। अंगूठे का नियम कहता है कि अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। तो उंगलियां कहां जा रही है, लंबवत अंदर की ओर। तो ये जो पी क्यू के कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत अंदर की ओर होगा। लिख दो लंबवत अंदर की ओर, ठीक। अब पी क्यू के बाद ये किससे मिलकर बना है बेटा, इस अर्धवर्त से। अर्धवर्त का नाम क्या है, क्यू एम आर, तार क्यू एम आर के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अर्धवर्त क्यू एम आर के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। ये हम पहले ही बता चुके हैं कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। दिशा ज्ञात करो, दिशा के लिए हम वृत्तीय धाराओं का नियम लगाएंगे। वृत्तीय धाराओं का नियम क्या कहता है कि मुड़ी सीधे हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा में। तो ये धारा ऐसे बहेगी, तो ये मुड़ी हुई उंगलियां ऐसे। अंगूठा कहां जा रहा है, बाहर की ओर। तो बोलेंगे कि ये जो आपके पास बी क्यू एम आर है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर है बेटा, बाहर की ओर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है और दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर। इसी प्रकार से अब ये आकृति में शेष कौन रह गया बेटा, आर एस। ये भी अर्ध अनंत लंबाई का तार है, तार आर एस के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो बी आर एस
कितना होगा बेटा आपके पास, मी नॉट आई अपॉन में चार पाई आर, क्यों इससे भी आर दूरी पे है और धारा कितनी बह रही है आई, और ये भी क्या है आपके पास आधा अनंत लंबाई का तार है, बस दिशा ज्ञात करो। तो अंगूठा धारा की दिशा में, तो यहां उंगलियां कैसे आना चाहती है बाहर की ओर, तो जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है कितना आर एस, उसकी दिशा क्या होगी लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। अब देखो बेटा यहां पे केंद्र पे कुल कितने चुंबकीय क्षेत्र हैं, तीन, जिसमें पी क्यू का चुंबकीय क्षेत्र और आर एस का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान है। देखो दोनों के मान क्या है समान, परंतु दिशा में विपरीत है, एक लंबवत अंदर की ओर जा रहा है तो दूसरा लंबवत बाहर की ओर आ रहा है। तो देखो जितना चुंबकीय क्षेत्र अंदर गया अगर उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ गया तो एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त। इसका मतलब कि ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र कौन सा पी क्यू और आर एस एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त। तो लिख देंगे बी पी क्यू तथा बी आर एस परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत हैं, दिशा में विपरीत हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ये दो तो हट गए, अब बचा क्या है? क्या बी क्यू एम आर यही बचेगा क्या केंद्र पे? अरे ये दोनों तो क्या हो गए कैंसिल, तो केंद्र पे क्या यही बचा, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा? तो लिख देंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र पी नेट बराबर होगा चुंबकीय क्षेत्र पी क्यू एम आर के, और जिसका मान कितना है बेटा प्लस म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर, म्यू नॉट आई अपॉन में फोर आर, ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर।